महावीर के 2623वें जन्म कल्याणक पर गुरुवार 25 अप्रैल को यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम में महामहावीरोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। भक्तिमय नृत्य, चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन और मंचासीन अतिथियों के स्वागत भाषण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान सिने साहित्य और समाज की गणमान्य हस्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में असम के महामहिम राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया की गरिमा में उपस्थिति रही। वहीं इस अवसर पर भारत गौरव श्रद्धेय देवेंद्र ब्रह्मचारी, गुरुदेव आचार्य श्रीनेय पद्मसागर सुरीश्वरजी श्रद्धेय, श्री ब्रह्मर्षि गुरुवानंद स्वामी जी तिरुपति, परम पूज्य प्रभाविका साध्वी श्री नमी वर्षा एवं नेहा वर्षा और आचार्य लोकेश मुनि सभी ने आए हुए लोगों का मार्गदर्शन किया। विधानसभा में बीजेपी के पूर्व सचेतक श्रीराज के पुरोहित, समाजसेवी महेंद्र तुरखिया, समाजसेवी एवं उद्योगपति घेवरचंद बोहरा, भारत महामंडल के अध्यक्ष श्री के सी जैन सीए, राकेश कोठारी सहित फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री अंकिता लोखंडे, विक्की जैन एवं अन्य कलाकार उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुंबई महानगर के जैन और अन्य समाज की जानी मानी हस्तियां और लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री प्रशांत झावेरी, राकेश सिन्हा नाहर, उत्तम शाह, कुमार बोहरा, श्रीमती संगीत, संगीता कासलीवाल, कृपा शाह, सुमन कोठारी एवं महिला मंडल को विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम का सुंदर और प्रभावशाली संचालन लवकेश जैन, नवी मुंबई द्वारा किया गया। We'll be right back.
जन्म कल्याणक महोत्सव के इस अवसर पर सानिध्य प्रदान करता जीतो और जियो के प्रेरक जैन धर्म के महान प्रभावक आचार्य पूज्य नैत पद्म सागर जी महाराज और उनके सभी सहयोगी संतों को पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन करता हूं। समारोह में उपस्थित हमारी परम पूज्या साध्वी वृंद जिनका कार्यक्रम में सानिध्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे साध्वी वृंद को मैं पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन करता हूं। ये मुझे मेरे गुरुदेव आचार्य तुलसी ने सिखाया था कि जितना सम्मान संतों का है उतना ही सम्मान साध्वियों का होना चाहिए। और भगवान महावीर ने भी, उन्होंने एक दास कन्या को न केवल शिक्षित किया, न केवल दीक्षित किया, बल्कि 36,000 साध्वियों का प्रमुख बनाया था और उनका नाम था आचार्य साध्वी चंदन बालाजी। भगवान महावीर का भाषण हवा में नहीं गया। मैं सोचता हूँ कि आश्चर्य है कि उनके उस छोटे से कालखंड में लगभग 16,000 साध्वियों ने दीक्षा ली। ये जो कहते हैं ना कि महिला और पुरुष में अंतर है, महिला पुरुष भारत में कभी था ही नहीं, ये तो मुगलों के राज के आने के बाद हमने अपनी माँ बहनों की इज्जत बचाने के लिए इस गलत रास्ते पर मुड़ गए थे। बाकी हमने हमेशा, आपने कभी सीता को घूंघट में देखा था क्या? हमारे पर किस तरह के एक के बाद एक आरोप लगाए जाते हैं। मैं सोचता हूँ भगवान महावीर ने उस समय, उन्होंने कहा कि अगर चतुर्विश संघ होगा तो ही ये दर्शन आगे बढ़ेगा, जिसमें साधु और साधुया है, श्रावक और श्रावकियां हैं, ये सब मिलकर के चतुर्विश संघ बनता है। ये चतुर्विश संघ ही इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। आपको आश्चर्य नहीं लगता कि आपने बहुत दुनिया देखी और पढ़ी है, लेकिन 2600 वर्ष पहले भगवान महावीर के 30 साल की दीक्षा के बाद उन्होंने जो संघ खड़ा किया है, वो संघ आज भी उन्हीं 5 महाव्रत का पालन करते हुए आप और हमारे बीच में विचरण कर रहा है। कोई समझ ही नहीं सकता है। हम कभी कभी बात करते हैं ना कि हमारे साधु आज भी पैदल चलते हैं, समझ में नहीं आता, उन्हें देखा ऐसा कभी हो सकता है क्या? लेकिन आपने देखा होगा आचार्य महाश्रवणी नेपाल तक चले गए। इसका मतलब ये कौन चला रहा है? ये भगवान महावीर का उपदेश है कि अगर वास्तव में और 2600 वर्ष में निरंतर जिस प्रकार से चल रहा है, अभी आपने देखा वो आचार्य विद्यासागर जी गए, चंद शब्द बोलते थे, दर्शन करने का सौभाग्य हम में से अधिकांश को नहीं मिला, उसमें मुझे भी नहीं मिला, लेकिन कभी कभी उनकी वाणी के 2 शब्द सुनते थे ना तो लगता था यार कोई चमत्कारी पुरुष है, इसके 2 शब्द फिर अंदर तक घुस रहे हैं। वो शब्द कैसे थे? उसका जीवन। और ये जो देवेंद्र ब्रह्मचारी जी आपको भी दीक्षा का जो ब्रह्मचारी व्रत कराया ना, ये उसी व्यक्ति ने कराया। मैं सोचता हूँ हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। अगर वास्तव में आपने कहा कि ये जो गरीब और अमीर और दुख और सुख ये है अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, हमारे लिए उतना ही उपयोग करो जितना इस शरीर को चलाने के लिए आवश्यक हो, इससे अधिक पर डाका डालना चोरी है। भगवान महावीर 2623 साल पहले पैदा हुए, उनका जीवन भी 250 वर्ष पहले, लेकिन उन्होंने जिस दर्शन को दिया, जिस तरह का जीवन जीने का तरीका बताया, जिस प्रकार से उन्होंने 12.5 वर्ष तक साधना करने के बाद अपने अंदर के सारे शत्रुओं को जब उन्होंने जीत लिया, तब उन्होंने अपने मुंह से दूसरों को उपदेश देने का प्रयास किया, उसी का परिणाम था कि
कि लगभग 16,000 साध्वियाँ, लोग कहते हैं ना कि महिलाओं को प्रॉपर स्थान नहीं मिलता है, भगवान महावीर ने उनको दीक्षित करके ये बता दिया कि यहाँ साधु और साधी में कोई फर्क नहीं है। और लगभग 34,000 उस समय साधु बने। तो मैं सोचता हूँ जिस काम को उन्होंने शुरू किया वो आज इतने वर्षों के बाद भी निरंतर इस दर्शन को और भगवान महावीर के इस रास्ते पर हजारों हजारों साधु संत अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग इसको निरंतर चला रहे हैं। इसका मतलब ये तो तय है कि भगवान महावीर ने जिन बातों को कहा था वो पहले भी ठीक थी, आज भी ठीक है, और हमेशा भगवान महावीर के इन सिद्धांतों को अगर कोई देश और दुनिया स्वीकार करेगी तभी जाकर के मानव जाति की रक्षा होगी। उन्होंने जो अनेकांतवाद में कहा कि भाई तुम कह रहे हो भी ठीक होगा पर सामने वाले को सुन लो ना, दिक्कत क्या है, सुनने के बाद अगर तुम्हें समझ में आए तो बात करेंगे। और अपरिकर का मतलब ये जो छीना चपटी जो चल रही है, धन का अधिकार कुछ ही लोगों के जेबों में अधिकार आ रहा है और कोई भूखे मर रहा है, ये स्थिति महावीर के सिद्धांत को अगर कोई मानेगा तो ये शायद कभी नहीं आ सकता। और इसलिए मैं सोचता हूँ मानवता का अगर कोई उद्धार होना है तो निश्चित रूप से भगवान महावीर के सिद्धांत में होगा। इसलिए इतने वर्षों के बाद भी महावीर जी का यह जो ये 24वें तीर्थंकर हैं, भगवान ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हुए, लगभग सभी राजपूत जाति से थे, राजा महाराजाओं के घर से थे, लेकिन उन्होंने इस वितराग के मार्ग को अपना करके आत्मा की शुद्धि से ही सब कुछ प्राप्त होगा, बाहर की सजावट से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और इसलिए व्यक्ति को कहा अंतर्मुखी होकर के अपने दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करो और फिर प्रयत्न करो। तो मैं सोचता हूँ ऐसे जो दर्शन है उसको आगे की पीढ़ियों तक जाए, उसके लिए कार्यक्रम हर साल करते हैं, कोशिश करते हैं कि देवेंद्र भाई के कारण से ही हम लोग आए सच में। अच्छा, मेरे को यहाँ आने के बाद पता लगा कि गुरुवार भी यहाँ उपस्थित होंगे, है ना, लोकेश मुनि जी जैसे बड़ी बड़े हस्तियाँ, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ इस राह को, पर मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ आया हूँ। और न्यू पदम सागर जी के कार्यक्रमों में तब से आता हूँ जब से मैं एक विधायक के रूप में राजस्थान में मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। तो वास्तव में एक तरह जो समाज जागरण का जो काम है वो जैन वो है जो भगवान महावीर को समझे और माने। केवल नाम लिखने से व्यक्ति जैन नहीं हो सकता है, जैन होगा तो कर्म से जैन होगा, तब जैन होगा। मुख्य रूप से यहाँ पर उपस्थित हुए, क्या कहना चाहिए थोड़ा सा बस परफेक्ट। देखिए आज ये महा महावीर उत्सव भगवान महावीर के जो जैन परंपरा के जिनका आज 2623वां जन्म कल्याण आज हमने मनाया है यहाँ पर, हमारे आसाम प्रदेश के प्रथम नागरिक हैं और राजस्थान के लाडले आदरणीय महामहिम रामचंद्र कटारिया जी साहब उपस्थित हुए। उनका एक बड़कपन है कि वो हर किसी को इतना बड़ा बना के चलते हैं और स्वयं इतने बड़े व्यक्तित्व हैं जिनके आगे हर व्यक्ति अपने आप को गौरव, उनके सानिध्य में हर व्यक्ति अपने आप गौरव समझता है। परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर आए हैं और इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सार्थकता ये है कि यहाँ पर सिर्फ जैन कम्युनिटी नहीं थी, सिर्फ जैन समाज के लोग नहीं थे। आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर एक ऐसी कम्युनिटी नहीं थी जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित थी। यही भगवान महावीर की सबसे बड़ी विचारधारा है और यही भगवान महावीर का संदेश है जो उन्होंने शादवाद अनेकांतवाद जियो और जिन देश से महा सिद्धांत दिए। आज इस कार्यक्रम की सार्थकता ये रही कि महामहिम की आदरणीय गुलाबचंद कटारिया जी साहब इतने सरल सहज, आप जानते हैं कि एक राज्यपाल का कितना बड़ा प्रोटोकॉल होता है, लेकिन उन्होंने सब कुछ साइड में रख के उन्होंने कहा महावीर का मैं एक सेवक हूँ, महावीर का एक साधक हूँ और उनके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और उनकी ये सब संतों का जितना यहाँ सानिध्य मिला है इसके लिए पूरे मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ। आप सब आए हैं मीडिया कर्मी जो इस बात को हमने कार्यक्रम किया है और इसीलिए किया कि हमारी पूरी मानवता के लिए एक अच्छा संदेश जा सके, एकता का, प्रेम का, समन्वय का जो संदेश जा सके, यही हम सबकी एक कार्यक्रम के माध्यम से बात रखी है और यही प्रयास हम बार बार नहीं हर बार करते आएंगे और हर बार हम ऐसे ही कुछ अच्छे जो राष्ट्र के लिए संपूर्ण विश्व के लिए जो हितकर हो हम वही कार्य करेंगे। ओम नमः। थैंक यू। मैन इज नॉट डिजाइन टू बी टायर्ड एंड रिटायर्ड।
महावीर से हमें सीखना है। आप ऊर्जा की बातें करते हैं, अपने मंदिरों में आप तीर्थंकरों का, भगवान का दर्शन करते हैं, कभी उनकी बुढ़ापे की मूर्तियां आपने देखी? लाखों बरस, हजारों बरस, करोड़ों बरस हो गए, आज भी वो बूढ़े नहीं हुए, तो हम तो उनके बच्चे हैं, कैसे बूढ़े हो जाएंगे? कोई मुझसे पूछता है आपकी उम्र कितनी है, तो मैं कहता हूँ मैं 24 साल का जवान हूँ 60 साल के अनुभव के साथ। और ये महावीर से मिला है। महावीर जो है पूरी तरह से प्रासंगिक है इस जीवन के लिए। हमारे ऑनरेबल, हमारे जो माननीय गवर्नर साहब ने, गुलाब सेक्रेटरिया साहब ने जो कहा, गवर्नर साहब ने कहा बड़ी सुंदर बात कि हमारे जीवन में व्याकरण के साथ आचरण भी होना चाहिए। हमारा जीवन भी बोले, सिर्फ वाणी नहीं। और आप देखिएगा कितने सिनेमा आए, कितने उपन्यास आए, आए और चले गए, मिट गए। आगम मिटा, वेद मिटा, गीता मिटा, कारण कि उसमें व्याकरण के साथ आचरण भी था। आचरण है, महावीर कभी नहीं मिट सकते कि आचरण है, निज पर शासन फिर अनुशासन। तो हमें महावीर के जीवन को देखना है, समझना है, जीना है। और मैं एक बात बताता हूँ, ये जीवन जीवंत होगा जब हम महावीर को जिएंगे। और हमारे जो गवर्नर साहब ने महावीर के बारे में जितनी सुंदर बातें की, मैं उस सबसे सहमत हूँ। और इन्होंने सब कुछ कह दिया, मैं यही कहना चाहूँगा, जय महावीर।